Assalamualaikum my YouTube friends, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद हमना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तोरी की सब्ज़ी। बहुत ही झटपट से और जल्दी से तैयार होने वाली सब्ज़ी है ये। बहुत ही लजीज होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है ये सब्ज़ी। आपको मैं इसके मेथड बताऊंगी किस तरह से इसको झटपट से तैयार किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तोरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज लिए हैं। इनको इसमें ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तोरी की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज होती है और सेहत को बहुत अच्छा बनाती है। यहाँ पे हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 कटी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 1 बड़े साइज का टमाटर ऐड करेंगे। इनको 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और टमाटरों को अच्छे से गलाएंगे। हल्की आंच पे बिल्कुल 5 से 7 मिनट हम टमाटर को अच्छे से गलाएंगे। उसके बाद इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है हंडिया में। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके तकरीबन हम 5 से 7 मिनट इन सब मसालों की अच्छे से बनाई करेंगे। साथ साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इन मसालों की अच्छे से बनाई करेंगे। तोरी की जो सब्ज़ी है इसके मसाले में पानी बहुत कम ऐड करते हैं क्योंकि तोरी में खुद भी पानी होता है। यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। देखिए साइडों पे ऑयल आ चुका है। ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्रेश तोरी ली है बिल्कुल। इसको इस साइज में हम लोग काट लेंगे, ना ज़्यादा बारीक काटेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा काटेंगे इसको। अब हम इसको ऐड करते हैं। अब हम तोरियों को ऐड करेंगे बहुत ही फ्रेश। मैंने यहाँ पे 1/2 kg तोरियाँ ली हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन तोरियों में जो है वो खुद ही पानी होता है पहले, इसलिए मसाले को अच्छे से भुनाई करके उसकी उसको पानी को ड्राई करके फिर उसमें ये तोरी ऐड करें। इसका कवर देके ऊपर इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट इसको तोरी को गलाएंगे। ये खुद ब खुद जो है तोरी पानी छोड़ती है और इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करते। इसका जो पानी है वो खुद निकलता है और उसी में ही ये गलती है। ये तोरी जो है वो खुद अपने पानी में गल रही है। ये देखिए साइडों पे उसने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट बिल्कुल नॉर्मल आँच पे इसको गलेंगे। ले जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये तोरी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए बहुत ही मज़े की और लजीज सब्जी हमारी तैयार है। इसको अब हम बर्तन में सर्व करते हैं। फ्लेम हम बंद कर देंगे। बहुत ही शानदार और मज़े की झटपट से तैयार होने वाली तोरी की सब्जी हमारी तैयार है।